करेंगे कनाडा के विजिटर वीजे के बारे में। काफी लोग ऐसे हैं जो कनाडा विजिटर वीजे पे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगी ताकि आप फ्यूचर में कनाडा जाकर सेटल हो सके। जब आप कनाडा घूमने के लिए जा ही रहे हो तो वहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपको कनाडा के कल्चर के बारे में, वहां के बिजनेस के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप इंडिया में बिजनेस कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आप वहां जाकर बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी आपको धनराशि चाहिए, वहां पर कौन कौन से बिजनेस ज़्यादा चल रहे हैं, इन बातों के बारे में जरूर आपको वहां पर घूमना फिरना चाहिए और जानना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर आप वहां बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सारी जानकारी एडवांस में हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया और कनाडा के बैंक का जो काम करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है, तो आपको वहां जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए कि कनाडा के जो बैंक है कितने घंटे काम करते हैं और कितने दिन बैंक खुलते हैं, तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है, वहां जाकर देखना है। क्योंकि कनाडा में क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही इजीली आप वहां कनाडा में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कनाडा में खेतीबाड़ी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको बता दूं कि कनाडा में बहुत ही कम पानी यूज करके खेती की जाती है। वहां पर बारिश करने के लिए छोटी छोटी मशीनें मिलती हैं, वो यूज की जाती हैं, जबकि हमारे इंडिया में ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं बनी। और कनाडा में क्या है, जमीन के अकॉर्डिंगली ही ट्रैक्टर खरीदा जाता है। अगर कम जमीन है तो ट्रैक्टर का साइज छोटा होता है, अगर ज्यादा जमीन है, ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ट्रैक्टर का साइज बड़ा लिया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, लोग एक दूसरे को देख के चीज खरीदते हैं, इन बातों का भी फर्क है। और वहां पर अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप ट्रैक्टर के ऊपर ज्यादा ऊंची आवाज में स्पीकर वगैरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करने की मनाही है। इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप कनाडा में फ्रूट वगैरह की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बता दूं कि वहां पर जो फ्रूट हैं वो भी अलग अलग रंगों से पैदा किए जाते हैं ताकि किसान को मंथली मंथली इनकम होती रहे। जैसे कि एक सीजन का फ्रूट एक लाइन में लगाया जाता है, दूसरा फ्रूट दूसरी लाइन में लगाया जाता है और तीसरे फ्रूट को तीसरी लाइन में लगाया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, किसान को एक लाइन के फ्रूट की जो इनकम होनी होती है वो एक मंथ में होती है और नेक्स्ट मंथ उसे नेक्स्ट फ्रूट जो होता है उसकी इनकम होती रहती है, मींस के मंथली मंथली उसकी इनकम उनको मिलती रहती है। इस तरीके से फ्रूट पैदा किया जाता है। और अगर आप इंडिया में फर्नीचर का काम करते हैं तो आपको कनाडा में जाकर फर्नीचर के बारे में भी देखना चाहिए क्योंकि कनाडा में क्या है, चाइना से बना हुआ जो फर्नीचर है वो यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे भी आपको अच्छी इनकम हो सकती है। आप इंडिया से अच्छा बिजनेस, आप अपना अच्छा फर्नीचर बनाएंगे और उसे कनाडा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे भी आपकी अच्छी इनकम हो सकती है। और कनाडा में क्या है, पुलिस का काम कैमरों के द्वारा किया जाता है, वहां पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, आपको कैमरों के थ्रू ही देखा जाता है। सभी लोग जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ड्राइविंग अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, इन सारी बातों को कैमरों के थ्रू ही देखा जाता है। तो इस तरह पुलिस का सारा काम कैमरे करते हैं। तो अगर आप कनाडा फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो आपको वहां घूमने के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर आप कनाडा जाना चाहें तो आपको वहां के कल्चर की पहले ही नॉलेज हो, वहां पर कैसे बिजनेस करना है इसके बारे में पहले आपको पता हो। और इन बातों के बारे में अगर आप पता करके रखोगे तो डेफिनेटली इजीली आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हो क्योंकि विजिटर वीजे पे घूमने तो आपने जाना ही है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कनाडा के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको सही रास्ता मिले कनाडा जाकर सेटल होने के लिए। फिर भी आप कोई कनाडा के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का नंबर आप नोट कर लीजिए, +1604765508। इस नंबर के ऊपर आप कनाडा दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, या फिर इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आप शाम को 6:30 से 8 बजे तक बात कर सकते हैं और फ्री में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर हम हमारे पटियाला ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो भी नंबर नोट कर लीजिए, 9888295000। इस नंबर पे भी आप वर्किंग डेज में बात कर सकते हैं।
सो और ज़्यादा नई नई अपडेशन लेने के लिए, क्रेडा के बारे में नई नई जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक जरूर पहुंच सके। थैंक यू।